बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ अपने ही पर्सनल काम से अंदर गए थे एलजी साहब को बोलने के लिए कि हमारी वन टाइम सेटलमेंट की। इन गरीब लोगों को 37 करोड़ का लोन जेके बैंक ने कैसे दे दिया। मैं रविंदर रैना जी की बात कर रही हूँ और मैं यही कहूँगी, फिर दोबारा यही कहूँगी कि आज हमारे जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो सिर्फ इनकी बदौलत है। आज 4G हमारे यहाँ पर नहीं है, उनकी भी वजह यही है। कोई ओपनिंग करने जाते हैं तो पार्लर्स की ओपनिंग कर रहे हैं, किसी नाली की उद्घाटन कर रहे हैं, गैंती लेकर नाली काट रहे हैं या छोटी सी गली बना रहे हैं, कि जब तक वो वहाँ पर हैं मैं त्रिकुटा नगर भाजपा पार्टी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ ललित खजूरिया। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से बयान दिया है और कहा है कि मैं तिरंगे को नहीं उठाऊंगी जब तक स्टेट का तिरंगा वापस नहीं आएगा, और एक बार फिर से उनकी मंशा साफ दिख रही है कि किस तरह से वो सियासत करना चाहती हैं। चंद रोज़ ही हुए उन्हें बाहर आए हुए, लेकिन अपना जो एक पार्टी का उनका एजेंडा है वो उन्होंने दर्शा दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि 370 वापस आएगा लेकिन चाइना की मदद से, और इस पर बवाल भी मचा। और बवाल सिर्फ जम्मू में जो देखने को मिला, जो राजनीतिक पार्टियां हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जो इसकी कड़ी निंदा, जो इनका एक फेवरेट अल्फाज है कड़ी निंदा, वो कड़ी निंदा इन्होंने सिर्फ अपने पार्टी ऑफिस में की और कैमरे के सामने की, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार अदिति शर्मा नेता, वो हमारे साथ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो कहते हैं ये हमारी सदस्य ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अभी तक रिटर्न में किसी तरह का कोई ऐसा नोटिस नहीं निकाला गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है। इसलिए मैंने जो तारुफ करवाया भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता अदिति शर्मा हमारे साथ। अदिति जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी की हो ना? बिल्कुल जी। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हाँ जी। करीब 1.25 साल जेल में रहे, नजर बंद रहे, लेकिन क्या लगता है कि आजाद करके फिर से वही एक जहर उगलना, क्या ये फितरत हो गई या उन्हें मालूम है कि सत्ता में कैसे रहना और भाजपा के साथ, अगर क्योंकि भाजपा इनको नहीं कोसेगी तो ये मशहूर भी नहीं होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे लगता है कि इतनी किसी की बात सुननी नहीं चाहिए हमें। तिरंगे की बात आएगी तो सुनना तो पड़ेगा ना। इतनी बात मैंने तभी कहा, इतनी बात सुननी नहीं चाहिए, सीधा उनके ऊपर एक देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए। अच्छा, इस वक्त और सीधे उनके ऊपर FIR लगनी चाहिए। और रही बात उनकी, वो जो PDP है पार्टी जिसके वजह से वो ऐसा कर रही है, हमारे संविधान में कुछ लिखा है, कुछ कायदे कानून है, जब कोई पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, पार्टी कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसमें लिखा जाता है कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। जब आपने तिरंगे का ही अपमान कर दिया, जब आप उसी को मना कर गए तो बात ही खत्म हो गई, तो फिर पार्टी ही खत्म हो जानी चाहिए। अभी तक वो डिसॉल्व हो जानी चाहिए थी। अब तक कमीशन को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को अब आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बात अब किसी एक इंसान तक नहीं रही सीमित, किसी एक नेता की बात नहीं रही, अब बात हमारे तिरंगे पर आ गई है। और बात जब हमारे झंडे पर आती है, जब आप उसी को नहीं मानते और आप इतनी मैं कहती हूँ बड़े नाजुक हालात रहते हैं हमेशा कश्मीर में, अगर हम देखा जाए तो इस तरीके की बातें करके आप वहाँ के लोगों को गुमराह करती हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि उनके ऊपर एक देशद्रोह का केस चलना चाहिए, FIR लगनी चाहिए। और दूसरी बात, उनकी जो पार्टी है जो इस तरीके की बातों को आगे लेकर जाती है, हमेशा उन्होंने ऐसी ही बातें की हैं, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की ही बातें की हैं, हमेशा उनको उन्हीं का सब कुछ अच्छा लगता है, हमारा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उनको चाइना पसंद आता है, वो चाइना की सपोर्ट मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर जल्द से जल्द एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और भाजपा को भी, मुझे लगता है हमारे बाकी जो सीनियर नेता हैं उनको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात करनी चाहिए कि इनके ऊपर एक्ट लगा के, FIR लगा कर इनको जेल में बंद करें और जो पार्टी है उसे डिसॉल्व किया जाए। लेकिन कड़ी निंदा से आगे बढ़ते नहीं हैं आप लोग।
देखिए मैं भी यही कहूँगी कि निंदा के अलावा अभी हमें एक्शन लेना चाहिए, और जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं उनको बिल्कुल अभी एक्शन लेने की बारी आई है, तो अभी उनको करना चाहिए। यही एक चीज़ है जो इस वक्त ज़रूरी है। अगर आप आज ये काम नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आप लोगों को क्या सिखाएंगे कि आप अपने तिरंगे का कितना भी अपमान करते रहे। कि आपकी जो भारतीय जनता पार्टी स्टेट की मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर, ये एक ऐसी पार्टी है इसने कभी भी इन लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं करवाया। जब जब इन्होंने जहर उगला देश के खिलाफ, तिरंगे का अपमान किया। आपकी पार्टी के मैं मतलब एग्जांपल बता देता हूँ, आपको याद होगा कि आपके यहाँ के जो पूर्व विधायक राजेश गुप्ता जी हैं, महबूबा मुफ्ती ने उन्होंने कुछ कहा था 370 को लेकर, तो इन्होंने और सेठी साहब ने, सुनील सेठी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महबूबा से कहा कि आपने हमारा अपमान किया है, हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाई, आप माफ़ी मांगिए व्यक्तिगत उस पे। लेकिन देश की जब बात आती है तो खामोश रहते हैं। मैंने पूछा भी था जी, FIR कौन करेगा उनके खिलाफ? देखिए FIR तो इनको लगवानी चाहिए, हम सबको मिलकर करना चाहिए, ये सिर्फ एक किसी की बात नहीं है। ये FIR अब देश के अपमान के लिए आप इकट्ठे नहीं होते, लेकिन जब व्यक्तिगत अटैक होता है तो फिर आप किसी को चाहते हैं कि आप उससे माफ़ी मांगे, हमसे माफ़ी मांगे। बिल्कुल, जब देश की बात आती है तो मुझे लगता है सारी पार्टीज को भी इकट्ठा होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली BJP की बात करूँ मैं, मुझे लगता है हमारे देश में जितनी पार्टीज हैं उन सभी को इकट्ठा होकर आज इस एक पार्टी को सॉल्व करना चाहिए, सामने आना चाहिए, सबको एक साथ। अपने देश की बात जब आती है, आज ये तिरंगे की बात है, आज ये किसी पार्टी की बात नहीं है, हम कोई वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, वो जब बात आएगी तो हम वोट भी ले लेंगे, लेकिन अभी बात इस वक्त सिर्फ हमारे तिरंगे की शान की है। जब हम उसका मान नहीं रख सकते तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम किसी और काबिल हैं कभी अपने राष्ट्रवाद की बात करें, या कोई भी अपने अपने बड़े बड़े भाषण जो हम देते हैं वो उस लायक हम रहे नहीं। लोग यही चीज़ तो आपकी पसंद करते हैं कि खुलकर और मुखर होकर आप बात करते हैं। कहाँ कमी दिखती है आपको यहाँ पर? जी कमी जाहिर सी बात है, हमारे नेताओं में, जो हमारे जम्मू कश्मीर इस वक्त जिनके हाथों में है, जो प्राइम मुझे लगता है कुर्सी पर जो इंसान बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐलान करे और अपने सारे पार्टी वर्कर्स को बोले, अपने सारे पार्टी के बाकी जो नेता हैं उन्हें बोले कि इकट्ठे होकर आज सभी इसके खिलाफ खड़े हों, और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और FIR दर्ज करनी चाहिए। पूरी पार्टी, देखिए BJP को छोटी पार्टी है नहीं, और जम्मू कश्मीर में भी विश्व की सबसे बड़ा संगठन, बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आज बात हमारे जम्मू कश्मीर की है, तो अगर यहाँ की बात है तो फिर देखिए PDP के साथ हमने कभी एक गठन भी किया था, अलायंस भी किया था, हमारी सरकार भी रही है, तो अगर इस तरीके की बातें उनके मुंह से आती हैं तो आज भी हम अगर चुप करके बैठे रहते हैं और खाली ये कहते हैं कि उन्होंने गलत बात की है, ये किया है, कानून है, एक कानून व्यवस्था है एक देश की हमारे, उस कानून के तहत हमें काम करना मतलब चाहिए, और वैसे ही बिल्कुल राष्ट्रभक्ति ओके वो हम सबके दिलों में है, लेकिन वो तभी दिखाई देगी अगर बिल्कुल वो तभी दिखाई देगी अगर आप वाकई में कुछ करेंगे। सिर्फ अंदर बैठकर कुछ बोलना एक अलग बात होती है, जमीनी स्तर पे कहीं कुछ दिखाई भी तो देना चाहिए। आज ये गुपकार को लेकर क्या कह देंगे आप? देखिए गुपकार को लेकर मैं यही कहूंगी कि लगना चाहिए कुछ, देखिए सबके ऊपर लगना चाहिए, चुनाव के बाद गठबंधन का लग रहा है कि मुझे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी देखिए उन्होंने एक स्कैम किया है, मैं तो कहूंगी कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन होना चाहिए। देखिए आज अगर हम इन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, आने वाले वक्त में कौन है जो सही तरीके से राजनीति करेगा और जम्मू कश्मीर की बात करेगा? जो भी आएगा इसी तरीके से जम्मू कश्मीर को आपस में लड़वाएगा और अपने पैसे करके इकट्ठे करके यहाँ से चला जाएगा। तो ये चीजें आज चेक रखने की ज़रूरत है। और मैं एक और बात बता दूं, अगर आज हमारी, मैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहूंगी कि अगर आज वो सामने नहीं आते तो जम्मू कश्मीर आने वाले वक्त में उन्हें उस तरीके से, उस नज़र से नहीं देखेगा जो एक राष्ट्रभक्ति BJP जो है उसके लिए जानी जाती है। तो ये आज प्रूव करने की बात है। आप जो कह रहे हैं कि इनको सुनना पड़ेगा, लेकिन आपकी तो वो सुनेंगे नहीं ना, वो तो आपको दरकिनार कर रहे हैं। मेरे को कोई दरकिनार नहीं कर रहा सिवाय रविंद्र रैना जी के। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि मैं पार्टी ऑफिस नहीं आती इसलिए मैं पार्टी में नहीं होनी चाहिए, हो सकती तो मैं उन्हें ये बता दूं कि जब तक आप इस स्टेट के प्रेसिडेंट हैं मैं उस पार्टी ऑफिस में नहीं आऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। जिस दिन आप हटेंगे उस दिन मैं सबसे पहले वहाँ पर पहुँचूंगी, जो भी हमारा नया अध्यक्ष होगा। ये कहा जाए कि जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी है इसमें
दो पार्टी जो है वो किसी एक इंसान की नहीं, ना मेरी है, ना रविंद्र रैना जी की है, ना किसी और की है। पार्टी पूरा संगठन एक पूरा चलता है। आज हमारे जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो इन्हीं की बदौलत है, वो किसी मीडिया वालों के सामने आते नहीं। बाद में लोग जूते मारते हैं बाकी पार्टी वर्कर्स को, लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हैं या क्यों बाकी वर्कर्स के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो किसी का जवाब ही नहीं देना चाहते। अदिति जी, ये गुस्सा जो है आपका, ये गुस्सा इस कारण है कि इन्होंने लोगों के काम नहीं किए और सरकार जब खत्म होगी उसके बाद भी लोगों को जो उम्मीदें थी उस पर भी खरा नहीं उतरे। यहाँ आपको गुस्सा इस बात का है कि रविंद्र रैना जो है वो आपके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, रविंद्र रैना जी मेरे खिलाफ नहीं बोलते, मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ। और तो खुलकर बोल दिया ना। बिल्कुल। अब वो एक्चुअली आपको भी पता होगा, आपके सामने भी उन्होंने पार्टी ऑफिस में कहा था कि अदिति शर्मा ने मेरा कार्टून बनवा दिया। तो मैं कहूंगी मैंने कौन सा कार्टून बनाया भाई, आप जैसे काम करेंगे वैसे लोग देखते हैं। मैं तो सिर्फ बताती हूँ कि आपने क्या किया है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो मैं वो अच्छा भी बताऊंगी लोगों को, और चाहे आप जैसा भी समझें, मेरी आपकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं एक मैं कोई पेशेवर, वो कोई मेरे खानदानी कोई सब पॉलिटिशियंस नहीं है, मैं इकलौती हूँ मेरे खानदान से। जी, जम्मू कश्मीर में एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर पार्टी वर्कर्स को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही जैसे आप हैं। जी, रविंद्र रैना जी ने साफ कह दिया कि आपका और भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, आप ऑफिस नहीं आते। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि खानदान रिश्तेदार इनको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, जुगल जी के भाई नंद किशोर इलेक्शन लड़ा, ठीक है, ये ठीक है ना। अब आगे आपके साथ शर्मा जी अध्यक्ष थे, उनके बेटे को भी राष्ट्रीय मतलब कोई दे दी हुई है वो पोस्ट, पहले युवा मोर्चा में थे। सुखनंदन जी के बेटे विकास जी वो भी आए, आपके प्रभात जी जो युवा मोर्चा उनके वाले साहब ने भी इलेक्शन लड़ा भारतीय जनता पार्टी। युधवीर सेठी जी उनकी बीवी जो मिसिज हैं वो रही, क्या कहते मिनिस्टर रही। तो ये तो फिर इर्द गिर्द घूम रही है ना, फैमिली के इर्द गिर्द घूम रही है। इसका असर पड़ता है जो बाकी हमारे पार्टी वर्कर्स होते हैं। और आज है? हमारे पार्टी के वर्कर्स जो हैं कुछ नाराज क्यों हैं? इसी वजह से नाराज हैं क्योंकि वो कई सालों से लगे हैं काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब बात आती है कभी इस तरह की पोस्ट की, तो फिर वो उन्हीं के आगे जो लोग हैं, जो मंत्री रहे हैं, या घरों में अगर चली जाती है वो पोस्ट, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है। तो मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत भी हूँ, और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये मोदी जी ने कहा है कि हमारी पार्टी में कहीं परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो ये अब तो देखने को मिल रहे ना। हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि अब आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और ये ज़रूर देना चाहिए। जैसा जो काम करता है, जो जैसी जिसकी एलिजिबिलिटी है, उसे देख कर जो भी किया जाए, जो भी फैसला लिया जाए, ना कि किसी के आगे मतलब उन्हीं के घर पे सिर्फ भाजपा रह जाए, सीमित रह जाए, सिर्फ मेरे ही घर तक रह जाए या किसी तो किसी के घर पे रह जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वर्कर आपसे बात करते तो होंगे। बिल्कुल, मैंने आपको कहा आज हमारे, मैं क्यों पार्टी ऑफिस नहीं जाना चाहती ये हमारे रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में, क्योंकि इन्होंने बस ऐसा ही कुछ कर दिया है। सबने तो स्वीकार किया। स्वीकार मैं क्या करूंगी, मैं जो है वो है, मैं ना बोलकर कैसे बोलूंगी कि नहीं है, मैं क्या बोल दूं आपको, झूठ कैसे बोल दूं, जो है वो है। और शायद इन्हें सबको साथ लेकर चलना नहीं आ रहा, और शायद ये भी अपने वही वो कुछ चार पांच लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उससे पार्टी नहीं चलने वाली। आज हमारे जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा की जो हालत है, अगर बीजेपी ऑफिस के बाहर लोग धरना देते हैं, उनके पास मिलने भी कोई नहीं जाता। आपके नेता बेहतर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, आपके आप देख लीजिए, यहाँ पर निर्मल सिंह जी एलजी के साथ मिलकर आए हैं, आपके कविंदर गुप्ता जी ने मुलाकात की, रविंद्र रैना ने मुलाकात की, ये एलजी साहब तो तभी मिलकर आए होंगे ना कि कुछ बेहतर करना होगा। देखिए इसमें, हाँ जी बिल्कुल, करना तो यही चाहिए था। आपको भी तो बताया होगा, चलिए माना रविंद्र रैना ने आपको नहीं बताया होगा, इनसे तो आपने पूछा होगा बाकी उसे कि क्या करने गए थे यहाँ किसी, कोई तो कोई आपका भी सूत्र होगा क्या बात। देखिए मैं बिल्कुल मैं एक बात कहूँ कि आप अभी जो कुछ दिन पहले थर्सडे की बात है, जब एल जी साहब से मिलने गए थे, तो सभी डेली वेजर्स, रहबरे खेल, ये सब इंतज़ार बाहर कर रहे थे। मैं भी वहीं थी कश्मीर में, और सभी इंतज़ार कर रहे थे कि ये कुछ अच्छा मैसेज लेकर आएंगे अंदर से, और यही बोलकर गए थे कि हम आपकी बात करेंगे।
जाएंगे। अच्छा, कश्मीर में मुलाकात हुई जी जी, तो यही बोलकर सबको गए थे, मेरी नहीं उन लोगों की हुई थी। तो बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ अपने ही पर्सनल काम से अंदर गए थे एलजी साहब को बोलने के लिए कि हमारी वन टाइम सेटलमेंट की जाए, जो 37 करोड़ का लोन लिया हुआ है इन्होंने वो 50 करोड़ का बन गया अब। तो बस यही चीज़ें हैं जो मतलब जब जनता को पता चलती हैं, जब बाहर लोगों को पता चला कि ये अपने ही काम से अंदर गए थे। और कौन सी सेटलमेंट की बात कर रहे हो आप? ये वही जो शिमला में जो जी 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 बिल्कुल वही पावर प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। और वही 37 करोड़ का लोन, खैर बाहर जब लोग बात कर रहे थे वो आज भी हमें गालियाँ निकालते हैं कि आप बताइए कि ये इलेक्शन में बोलते थे हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए खर्चा भी नहीं है, और मैं गरीब आदमी आपके सामने आपका नुमाइंदा आपके साथ चलने के लिए आया हूँ, और उसके बाद में समझ नहीं आई इस गरीब इन गरीब लोगों को 37 करोड़ का लोन जेके बैंक ने कैसे दे दिया। तो ये सवाल लोगों के हैं, और उस वक्त मतलब मुझे वहां से निकलना मुश्किल हो गया था जब लोगों की ये तो चले गए थे वहां सिर्फ मैं रह गई थी। तो बस यही बातें हैं कि आप अपना काम करें जो भी करें, लेकिन आप जनता की बात तो करें कम से कम। कश्मीर में आपका बड़ा जबरदस्त वहां पे देखने को मिला जी, आपका वेलकम हुआ, ठीक है, स्वागत जो किया गया, ये इस कारण किया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या वाकई उनको लग रहा था कि अदिति जो है वो सही मुद्दों को उठाती इस है? इस वजह से हुआ कि लोगों को पता है कि ये हमारी बात को उठाएगी, हम जो हमारी जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल सामने क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के सामने ये साथ में ये रखेंगी। और जैसे कि मैं लोगों को मिली हूँ सामने जाकर साथ जाकर उनसे, लोग कहते हैं कि हम तो चाहते हैं आप सबके साथ चलना, हम तो दुखी हैं इन लोगों से। आप लोगों की वहां दशा देखेंगे तो वो आज भी वही है जहाँ 30 साल पहले थे। किन लोगों से दुखी हैं ये तो बताओ? अब यही एनसी और पीडीपी, और कोई सरकार तो वहां पर बनी, कोई पार्टी आज तक वहां आई नहीं, बस यही दो पार्टीज आई हैं, और इन्हीं दो पार्टीज से वो आज तक दुखी हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि अगर हमारे भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो हमारे आज भी जो अध्यक्ष हैं, अगर इन्हें टारगेट करना था तो आज तक ये वहां पर जमीनी स्तर के लोगों को क्यों नहीं मिलते जाकर? अगर ये वहां पर मिले, मुझे लगता है गुब्बारा डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं है कि हम उन्हें जवाब दें। लेकिन ये तो मुलाकात तब करते हैं ना जब कोई आपका पार्टी वर्कर वहां पे आतंकी उनको किल कर देता है, मार देता है, तब ये जाते हैं। मैं एक और आपकी बात बताऊं आपको, ये वहां की जनता ने मुझे कही है बात कि जब भी कोई किलिंग होती है वहां पर तो उसके ऊपर नहीं, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सिर्फ इतना कह देना कि मिलिटेंट ने मार दिया और बात खत्म हो गई ये गलत है, हो सकता है कि उसके पीछे बात कुछ और हो। वहां पर पार्टीज भी बहुत ऐसी हैं, कोई भी किसी के पीछे पड़ सकता है, सिर्फ इतना कह देना और केस को खत्म कर देना, बात को खत्म कर देना कि मिलिटेंट्स ने मारा है, That's it, ये बात गलत है, इसके ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके नेता ज्यादातर किलिंग के ऊपर ही जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता? बिल्कुल किलिंग के ऊपर जाते हैं, और मुझे ये समझ नहीं आता जब वो किलिंग से पहले वो इंसान बेचारा बोलता रहता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरे पीछे लोग पड़े हैं, तब हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, तब आप किसी वहां के उस इलाके के SSP को भी फोन करके राजी नहीं है। और यहां तक कि आपको एक बात बताऊं, यहां पर कुछ 4-5 लीडर्स एक एरिया के होते हैं, अब आपके अध्यक्ष के साथ किसी एक की बनती है, अध्यक्ष आपका दूसरे के वर्कर के लिए उल्टा मतलब काम करता है, के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है। तो देखिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको अपने बारे में नहीं सोचना है। आज हमारे इनकी प्रॉब्लम क्या है हमारे अध्यक्ष साहब की, कि अगर उनके थ्रू कोई पार्टी में आता है तो वो उन्हें अच्छा लगता है, वो लोग उन्हें अच्छे लगते हैं जो उन्हें बुलाते हैं पार्टी अपने फंक्शंस में, लेकिन जो अपने आप पार्टी में किसी को बुलाता है वो उनको पसंद नहीं है, उनका वो बिल्कुल स्वागत नहीं करते, वो पार्टी के बारे में नहीं सोचते। जी हाँ, वो नड्डा साहब के बारे में नहीं बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने रविंद्र रैना जी की बात कर रही हूँ। और मैं यही कहूंगी, फिर दोबारा यही कहूंगी कि आज हमारे जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो सिर्फ इनकी बदौलत है, आज 4G हमारे यहाँ पर नहीं है, उनकी भी वजह यही है, यही बात नहीं करते, यही बोलते हैं कि यहाँ पर माहौल खराब हो जाएगा। किसने कहा ये बात? हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि यहाँ पे माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं ये किसी को ठीक नहीं कर सकते। अगर आज जानीपुर में कोई हालात बिगड़ते हैं तो ये जानीपुर में भी किसी को नहीं जानते, ये वहां पर भी ठीक नहीं कर सकते कुछ। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने इलेक्शन कहां से लड़नी है, कभी बोलते मैंने वेस्ट से लड़नी है, कभी बोलते आरएसपुरा से लड़नी है, कभी बोलते गांधीनगर से लड़नी है। आखिरी सवाल, मतलब चलो आखिरी क्या, इससे थोड़ा सी और आगे भी चल जाएगा इंटरव्यू, लोगों के लिए इन्होंने क्या काम किया है आपको लगता है? आप ही के नेताओं ने, आपको कुछ याद है कोई बेहतरी के लिए कोई यहां पे काम किया? देखिए मैं आपको बताऊं, किसमें ज्यादा ये मसरूफ रहते हैं, मीटिंग्स में या लोगों के मसाइल हल करने में? मैं बिल्कुल, जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए। देखिए मेरे को अभी तक अगर कोई ज़मीनी स्तर पे कोई काम नज़र आता है तो वो सिर्फ हमारे जो लोकसभा के जो हमारे MPs हैं उन्हीं के काम नज़र आते हैं।
अगर आज हमारे यहाँ पर एम्स है तो हमारे जितेंद्र सिंह जी की बदौलत है। अगर वहाँ पर आप देखिए आगे वहाँ पे पुल वगैरह इतने सारे बन रहे हैं या कोई भी रोड्स बन रहे हैं, ये सब कुछ ये सारे उनके काम है। जो लोकल्स की बात अगर मैं करूँ तो मैं ये बोलूँ कि लोकल्स ने कभी इतनी भी कोशिश नहीं की वो जितेंद्र सिंह जी से ही मांग ले, कम से कम आप पीएमओ में बैठे हैं, हमारे लोगों की ये समस्या है, हमारे यहाँ पर आप हॉस्पिटल दे दीजिए, हमारे यहाँ पर आप स्मार्ट स्कूल खोल दीजिए, ये तक नहीं मांगा आपने। मतलब आपकी ऐसी क्या ईगो है कि आप अपने ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो ना तो मना करते हैं किसी को, लेकिन आप अगर परेशानी लेकर ही नहीं जाएंगे उनके पास तो वो करेंगे क्या। रही बात आपकी खुद की क्षमता की, आपने सिवाय टेंडर्स की और कुछ नहीं किया, सिवाय सिर्फ आप आज भी अगर कोई ओपनिंग करने जाते हैं तो पार्लर्स की ओपनिंग कर रहे हैं, किसी नाली की उद्घाटन कर रहे हैं, गैंती लेकर नाली काट रहे हैं या छोटी सी गली बना रहे हैं, तो सिलेंडर्स बांट रहे थे सॉरी पिछले थोड़ी देर पहले। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं वो हमारे वर्कर्स के होते हैं, डोमिसाइल बांट रहे होते हैं, यूसी मतलब ये आज तक मैंने नहीं बांटा है। मेरे आगे जो लोग हैं मैं उनसे बोलती हूँ आप काम करें, लेकिन एक इस तरह के नेता को इन चीजों को करते हुए शायद मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता। लेकिन अदिति जी सवाल ये भी है ना, आप भी बोलती हैं अच्छा ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, एग्जाम वक्त पर नहीं हो रहे हैं, जेके बैंक का मुद्दा तो एग्जाम में भूल गए, जेके बैंक भी भूल गया और आपके रविंद्र रैना जी या आपके और भी जो लीडर हैं ये भी भूल गए, क्योंकि उस वक्त तो कहते थे कि ये कैंसिल इसलिए हुआ कि यहाँ पर गपलेबाजी हुई थी, ठीक है बैकडोर एंट्री या जो भी था, लेकिन अब नए सिरे से हम एग्जाम करवाएंगे तो ये कब होगा, ये सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल ना? पूछते हैं लोग और बिल्कुल 4G को लेकर भी हर चीज़ को लेकर पूछते हैं। आज जो भी इन लोगों की फाइलें जो हैं आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ी हुई हैं, सेक्रेटरीट में पड़ी हुई हैं, ये सिर्फ फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हुआ, वो बोलते हैं हो गया, सबको बोलते हैं हो जाएगा, आगे वो बोलते हैं कि कहाँ हो जाएगा। कभी कोई बोलता है, मैं आपको रहबरे खेल की बात बताती हूँ, इनकी फाइल आज इतनी देर बाद बोलते हैं कि कोई बोलता है विजिलेंस में है, कोई बोलता है कोई इंक्वायरी में पड़ी हुई है, ये क्या है। आपने पॉलिसीज बनाई हैं तो आपने करनी है, मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिम्मेदार इसको समझती हूँ, लेकिन वो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे जो लीडर्स जो हैं वो पूछने वाले नहीं हैं, वो कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। देखिए आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी जनता को जवाब देना चाहिए, आप भाग नहीं सकते। आपको जब भी माइक आपके सामने आती है तो आप भाग जाते हैं, कई बार भागते हुए देखा है लोगों ने आपको, जनता की आप बात नहीं करते, मीडिया का आप जवाब नहीं देते, तो फिर आप हैं क्यों यहाँ पर, कर क्या रहे हैं, जाइए अपने घर पर जाकर आराम से बैठिए, कोई पूछने नहीं आएगा आपका, बस चले तो सबको बिठा दोगे घर सर, सबको क्या, ये कुछ चुनिंदा कुछ लोग हैं, दो चार ही कुछ ऐसे लोग हैं सर, ये सब लोग जानते हैं, मेरे बोलने से क्या होगा, सब लोग जानते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं। मैं क्या बोलूँगी, मुझे भी तो लोगों से ही पता चलता है कि हम वहाँ जाते हैं वो ये बोलते हैं, हम मुझे भी आप लोगों से पता चलता है जब मैं देखती हूँ कि मीडिया से भाग जाते हैं, मीडिया का जवाब क्यों नहीं देना। अगर आपका कोई सवाल है, अगर हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे पास कुछ जिम्मेदारी है, तो हम इसीलिए उसका जवाब दें। मिलाकर लोकल भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की ये फ्लॉप हो गई है ना, बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, और उनकी वो किसकी बदौलत है, वो इन्हीं की बदौलत है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब तक वो वहाँ पर हैं, मैं त्रिकुटा नगर भाजपा पार्टी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी। मतलब पार्टी आप बदलाव चाहती हैं? बिल्कुल चाहती हूँ, जनता भी चाहती है, बिल्कुल जनता भी चाहती है, मैं भी चाहती हूँ, मेरे पार्टी वर्कर्स भी चाहते हैं, बस वो बोलते नहीं है, मैं बोलती हूँ, इतना ही फर्क है। नहीं पता चले आपको निष्कासित कर दिया जी राष्ट्रीय, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता होनी चाहिए, बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो अदिति जी का ये साफ कहना है कि ये तब तक पार्टी ऑफिस नहीं जाएंगी, क्योंकि ये इसलिए जवाब दे रहे हैं कि रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी ऑफिस नहीं जाऊंगी जब तक रविंद्र रैना पार्टी के अध्यक्ष हैं जेके यूटी के। और दूसरा ये कि पार्टी यहां पर फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि ऐसे नेता जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी जनता के मुद्दों को हल करने की परेशानियों को, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि अदिति जी कब अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बवाल तो मचेगा ही।